नमस्कार दोस्तों। तो आज फंडामेंटल में नहीं जाते हैं हम, सीधे आपको चार्ट दिखाते हैं किस चार्ट में क्या होने वाला है अगले 6 महीने के अंदर या आने वाले साल भर के अंदर क्या हो सकता है। एक तो आपके सामने अशोक लीलैंड लगा हुआ है, इसका जो है हाँ ये आएगा अगले 6 मंथ में, इसका भाव आ जाएगा 320 रुपये के करीब का, अशोक लेलैंड। फिर आते हैं आईओसी, आईओसी का जो है तो आईओसी में करीब 205 रुपये का भाव आएगा आने वाले दिनों में जल्द ही। SBFC, इसमें जो है आने वाले समय में इसमें भाव आने वाला है 168 का, लगभग लगभग डबल, हाँ लगभग डबल के करीब हो जाएगा, 168 का प्राइस आएगा 6 महीने में इसमें भी। फिर आ गया आइडिया, आइडिया भी 12 से 24 रुपये तक जाएगा 6 मंथ में। आइडिया में भी जो है साफ दिखने लगा है, एक तो डाइवर्जेंस आ चुके हैं तीनों में। ADX अभी 19 के पास दिख रहा है, कोई बात नहीं वो बढ़ जाएगा, कंसोलिडेशन ख़त्म होने वाला है और वॉल्यूम आ गया है इसमें। वॉल्यूम कैंडल लगाने पे आपको दिखेगा ये आया बड़ा वॉल्यूम, तो बड़ा वॉल्यूम भी आ गया है इसमें। ADX तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, RSI भी बुरी जगह पे नहीं है, मनी फ्लो भी 70 के करीब है, बढ़ रहा है 80 की तरफ, तो 24 का भाव आएगा इसमें 6 महीने के अंदर। PNB बैंक जो है ये भी 270 280 का भाव आने वाला है अगले 6 महीने में इसमें भी। मैंने देख लिया अच्छे से। और RHFL ये थोड़ा सा लंबे समय में 45 रुपये का भाव आएगा इसमें, यानी अंबानी की कंपनी है ये भी, अभी शायद निकलने वाली है कर्जे वर्जे से और फिर से जो है जिंदा होने वाली है। लंबे समय में आएगा और इसमें अच्छी 5-5% के अपर सर्किट लगा के शेयर चल भी रहा है। और रही बात हिंदुस्तान मोटर की, तो लंबे समय में इसमें 93 का भाव आएगा और जल्द ही इसमें आएगा 65 से 70 रुपये का भाव आ जाएगा, और 65 का प्राइस बहुत जल्दी आएगा इसमें। हो सकता है महीने 2 महीने में ही आ जाए।